आज पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सर्व कर्मचारी व अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा रेलवे स्टेशन पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मौजूदा केंद्र की सरकार विभिन्न विभागों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने जा रही है, जिसके चलते आज एक सांकेतिक धरना दिया गया है। अगर सरकार अपनी बात पर अडिग रहती है तो ये धरना आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को सांकेतिक हड़ताल की गई है, जिसका सर्व कर्मचारी संघ पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने केंद्र द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कानूनों का भी विरोध जताया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार रेलवे को भी निजी हाथों में देने जा रही है, जिसे आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि आम आदमी रेल को ही सस्ती सवारी मानता था, परंतु अब रेल विभाग भी अगर पूंजीपतियों के हाथों में चला गया तो आम आदमी का रेल में सफर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज पूरे देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर हड़ताल की गई और सरकार विरोधी नारेबाजी की गई है। इसी कड़ी में आज करनाल के रेलवे स्टेशन पर 11 से 2 बजे तक सांकेतिक धरना दिया गया और सरकार से मांग की गई कि रेलवे विभाग व अन्य विभागों को निजी हाथों में ना सौंपा जाए। करण का विरोध किया जा रहा है। आज पूरे देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघों के फेडरेशनों के आह्वान पर जिस पूरे देश के अंदर सरकारी विभागों को जो पूंजीपति का हवाले किया जा रहा है, उसके विरोध में आज सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन है। साथ के साथ 15 और 16 दो तारीख आज और कल बैंकों का निजीकरण सरकार कर रही है। बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पे हैं, उनका भी समर्थन कर रहे हैं हम। और जो पिछली सरकारों ने जो बैंक में जो खड़े किए थे कि कम पैसे में जनता को बेहतर सुविधा कैसे मिले, उसके लिए सरकारी विभाग बनाए गए थे। इससे पहले सब प्राइवेट था। आज़ादी के बाद जब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद घर गांव गांव तक स्कूल बने, घर घर तक बिजली गई, घर घर तक पानी गया और स्वास्थ्य में सुधार आया और बड़े बड़े सरकारी ढांचे जो खड़े किए गए, एयरलाइन बनी, रेलवे बनी। लेकिन ये बनी बनाई चीजें आज बीजेपी सरकार बेच रही है, उसके विरोध में आज ये हमारा प्रदर्शन है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन का है? देखिए सन्नी जी, आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में तमाम जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। जैसे 2 घंटे का हमें करनाल में 11 से 1 बजे तक हम लोग धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन का ये मांग है कि जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार जब से आई है, निजीकरण लगातार धीरे धीरे लगातार हर विभाग को बेचने जा रही है। तो आज स्पेशली एक निजीकरण जो हम रेलवे को लेकर आज यहाँ धरना रख रहे हैं पूरे देश में कि सरकार ने फैसला किया है कि रेलवे को भी, जो इसको गरीब रथ मानते थे, कहीं ना कहीं गरीब का आदमी इसमें सफर करता था, उसको भी कहीं ना कहीं निजीकरण करने का काम किया। तो इसलिए आज ये सांकेतिक धरना करते हुए आने वाले समय में लंबा आंदोलन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, तमाम कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ, सेतु रिटायर कर्मचारी संघ, किसान, मजदूर, सारे संगठन जो है कि निजीकरण के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। अब आपके रेलवे स्टेशन पर स्पेशली इसलिए दे रहे हैं कि जिले की प्रधान मोदी जी पहले चाहे रेलवे स्टेशन पर ही बेचा करते थे और अब रेलवे को ही प्राइवेट बेचने जा रहे हैं, इसलिए आज हम रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। ये सुदेश मैडम, मेरा आयुष्मान का कार्ड बनवा दे। मैं कल्पना चावला में गई थी और उन्होंने ना डॉक्टर ने 90,000 रुपए मांगे। अब ये देख लो, निजीकरण करने का ही हाल है, जो गरीब आदमी सरकारी में इलाज भी नहीं करा सकता। 90,000 उसके इलाज के मांगे गए हैं। और निजीकरण में तो ये कहना चाहती हूँ, अगर मोदी सरकार कह रही है घाटे का सौदा है, रेलवे का भी और अपना बिजली महकमा भी, हेल्थ डिपार्टमेंट भी, सारा निजीकरण करने जा रही है, वो सब घाटे का सौदा। मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, जो घाटे की चीज है वो खरीद कौन रहा है? अगर वो घाटे की चीज है तो खरीदा कोई भी नहीं है, हम भी खुद नहीं खरीदेंगे। जो खरीदेगा उसको मुनाफे की समझ के खरीदेगा। अगर बात करें कि सरकार कहीं ना ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।